दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी के पास, क्योंकि वर्ल्ड साइड डे जिस दिन ये कामना की जाती है कि हर इंसान को साइट मिले, हर इंसान को लाइट मिले, उस दिन हम लोग इनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। आज वर्ल्ड साइड डे है। वर्ल्ड साइड डे का इम्पोर्टेंस ये है कि हम सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान ने हमें आंखें दी हैं जिससे हम ये सुंदर दुनिया देख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, आंख है तो जहान है, तो इसीलिए आज के दिन वी शुड थैंक गॉड कि हमें ये भगवान ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट ऑफ लाइफ दिया है जिसमें विजन है, और हम हमेशा कामना करते हैं कि हर इंसान को ये गिफ्ट लाइफ में मिले। डॉक्टर प्रियंका जी, जो आपका फील्ड है, छोटे छोटे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है आइज की, और उनको आप एक नई जिंदगी देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है जो उसने समाज में आगे बढ़कर एक नई जिंदगी जो बननी है, और लोगों को सारी दुनिया वर्ल्ड को उसने जो है अपने आप हैंडल करना है। देखो, आई बिलीव आई साइट हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए। वाई वी आर वर्किंग सो हार्ड, बिकॉज आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक है, वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हम उनका ध्यान अब रखेंगे तो फ्यूचर में जाके उन्होंने ही हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। अगर हम समय रहते, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, अगर हम समय रहते उनको डायग्नोज कर लेते हैं, उनका इलाज कर लेते हैं, तो बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं जिसमें कि उसको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। यू मीन टू से कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आफ्टर 30, आफ्टर 40 जो है हर इंसान को आपको भी चेकअप करना चाहिए, तो इट मीन्स कि जो यंग बच्चे हैं हमारे, जो छोटे एक साहब छह महीने का है, तीन महीने का है, चाहे उसने बर्थ लिया, तो उसकी भी आई साइट जरूरी है डॉक्टर से चेक करना। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में जो बच्चे पैदा होते हैं हम उन सबका आई चेकअप करते हैं। फॉरमोस्ट बर्थ के टाइम आई चेकअप करने का मकसद ये होता है कि आँख में कोई ऐसी बीमारी, कोई मोतिया, कोई पर्दे की बीमारी, जैसे आजकल IVF से बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उनकी आंख के पर्दे में एक ऐसी बीमारी बनती है जिससे वो अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अगर हम उनको टाइमली देख ले, उसका इलाज कर ले, तो हम उस बच्चे की निगाह को बचा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एट बर्थ या विद इन 2 months ऑफ बर्थ एटलीस्ट एक आँख की जाँच होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा हमको तौर पर देखा गया है कि बच्चों में जो टीर है वो, मतलब लोगों को ये लगता है, कहते हैं कि छोटी उम्र में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक वो चीज़ें पक जाती हैं और हमेशा के लिए जो बच्चा है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जो आँख में ये टेढ़ेपन की प्रॉब्लम है, इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। लोगों को लगता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ गुड लक कि बच्चे की किस्मत अच्छी है इसलिए उसकी आँख टेढ़ी है, या जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जबकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस आँख में टेढ़ापन है वो आँख से बच्चा देखता नहीं है। अगर नहीं देखता है, धीरे धीरे उसकी निगाह कम हो जाती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम आँख को सीधा कर सकते हैं, बट जो रोशनी चली गई है उसको वापस नहीं लेके आ सकते। इसलिए जो ये टेढ़ेपन की प्रॉब्लम है, इसका इलाज बचपन में ही होना बहुत जरूरी है। तो सही कि अगर ये चीजें जो बचपन में आती हैं प्रॉब्लम, अगर हम उनको हैंडल नहीं करें तो बड़े होकर, जैसे आपने बोला कि एक आंख की साइट है, जो जितनी आई साइट चलेगी वो तो फिर लॉस्ट ही है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 18 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में आते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज जब भी हम देखते हैं हम दोनों आँख को खोल के देखते हैं, तो इसलिए एक आँख की निगाह अगर कम है तो वो पता नहीं चलता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं। बट जिस टाइम तक वो पता चलता है उस टाइम पे हम उसका इलाज ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में एंट्री से पहले एक आई एग्जामिनेशन हर बच्चे की होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो आजकल बच्चों में पनप रही हैं? देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक सबसे ज़्यादा
कह लो एपिडेमिक हो रहा है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो उभर के आ रही है, वो है प्रीमेच्योर बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम, जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। सबसे पहले ये सारे प्रीमेच्योर बच्चे जो भी 2 किलो से कम वजन है या 34 हफ्ते से पहले यानी कि 7th मंथ से पहले जो भी बॉर्न हो रहे हैं, सबका आई चेकअप होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है वो है चश्मे का नंबर, क्योंकि आजकल के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा ये डिजिटल मीडिया जो है, मोबाइल, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनकी आँख में चश्मे का नंबर आने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरी प्रॉब्लम है टेढ़ापन, जैसे हमने बात की, उसको भी बचपन में उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़े होके उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि जैसे आपने कहा कि डिजिटल मीडिया का है, जो बच्चे आजकल सारा दिन जो है वो मोबाइल स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जंक फूड और ये चीज़ें जो है ले रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, कोई किस तरीके से हम लोग अगर मोबाइल भी यूज़ करना है बच्चों ने, तो क्या हम लोग बड़े बड़े टैब ला कर दें उनको, कैसे करें कि बच्चों का जो है शौक वो भी पूरा हो जाए और हम लोग उनकी आई सेटिंग कर सकें। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमें ये जानना है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है। जिस तरह का टाइम में हम हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उसको तो यूज़ करना आता है, मेरा बच्चा तो बुद्धू है, डम है, उसको मोबाइल यूज़ नहीं करना आता है, उसको आईपैड यूज़ करना नहीं आता है। पर इन चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है ग्रुप है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है कि 2 साल से छोटा बच्चे का जो मोबाइल टाइम है, जो स्क्रीन टाइम है, दैट शुड बी 0। उनको फ़ोन या आईपैड या लैपटॉप दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट पे इस तरह से असर करता है कि बच्चे का दिमाग ही प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एज टिल 6 ईयर्स ऑफ एज द चाइल्ड कैन यूज़ मोबाइल और जो टीवी है वो 1 घंटा इज द लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। तो हमें जुडिशियसली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये तो छोड़ता ही नहीं है मोबाइल, हम क्या करें। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते हैं, देखने से सीखते हैं, क्योंकि हम सब इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। तो अगर हमें ये कट डाउन करना है उनके लिए, तो हमें अपना मोबाइल यूज़ भी अपने बच्चों के सामने कट डाउन करना पड़ेगा। सो यू मीन टू से कि थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ही बच्चे मतलब उसको फॉलो करेंगे। अब जैसे कोई भी बच्चों के साथ हम खेलते हैं तो वो भी कहते रहते हैं, जब खेलते हैं तो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वो कहते हैं पहले पापा इसको छोड़ो पहले, फिर उसके बाद वो हमारे साथ खेलते हैं। ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि आज के टाइम में हम सब, हमारा सब काम मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रहा है। मम्मी पापा खुद फ़ोन पे लगे हैं और बच्चों को बोले मोबाइल नहीं यूज़ करना है, बच्चे नेवर लिसन टू दैट, वो कभी सुनेंगे नहीं। तो इसलिए आई बिलीव, मैंने अपनी लाइफ में ये अपनाया है कि मैं घर जाके अपने बच्चों के सामने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो उनको दिखेगा नहीं, सो दे विल नॉट गेट। तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको बाहर खेलने लेके जाना है, उनके साथ एक्टिविटीज करनी है, ताकि वो फोन से दूर। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि DMC, जिस जो कि एक आस्था का केंद्र है हर इंसान के लिए, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सारा जो हिंदुस्तान है वो यहाँ पर आता है और आप ऐसी इंस्टीट्यूशन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बताएं कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन से सेवा लेना और एक आम हॉस्पिटलों से सेवा लेने में क्या है? देखो, सबसे ज़रूरी है सुविधा। सुविधा मतलब हमारे पास यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमारे मैनेजमेंट इतनी सपोर्टिव है, हमारे पास हर तरह की आधुनिक जो मशीनें हैं वो है, जो एक, क्योंकि आई एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हर मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर एक सिंगल प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है वो कई मशीनें ऐसी हैं जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी सुविधाएं,
दूसरा नंबर पे है क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर एक आँख सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आँख के साथ साथ पूरे शरीर को भी साथ में इन्वॉल्व करती है, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है वो हमें यहाँ मिल सकती है। हम मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, सबका योगदान हम साथ में ले सकते हैं जो कई बीमारियों के लिए ज़रूरी है। तीसरा, जो हम बच्चों में ऑपरेशन करते हैं उसके लिए हमें बेहोशी देना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी बिग रिस्क इन प्राइवेट सेंटर्स। यहाँ पर ये है कि वी हैव एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट जो फुल टाइम अवेलेबल हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो इमीडिएटली हम सब एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी में कभी भी आ सकती हैं, बट उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने का जो अवेलेबिलिटी है ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ एंड एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या एक मेडिकल कॉलेज में आपको बेहतर मिलेगा रादर देन एट अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। अंदर जैसे डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी ने हमारे साथ बातचीत की और बताया कि आज बच्चे जो कि जिस तरीके से अमेरिका ने गाइडलाइंस निकाली हैं, और आज साइड डे पे हम लोग आपको ये अपील करेंगे कि डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी जैसे डॉक्टर जो कि जैसे इन्होंने बताया कि कैसी सिचुएशन, यहाँ पर हर तरह की मशीनरी कहीं पर भी हमारा जो है कंप्रोमाइज नहीं है, बड़ी से बड़ी मशीनरी, महंगी से महंगी मशीनरी DMC के पास उपलब्ध है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर प्रियंका, नीचे जो फोन नंबर हमारे चल रहे हैं। अंडर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने वर्ल्ड साइड डे के दिन हमारे पंजाब प्लस को एक साइट दिया है, और उसको वो बच्चे जो पेरेंट्स इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर जो भी लोग इसके व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए आप एक अच्छा मैसेज जो आपका पहुंचेगा आपका धन्यवाद। मेरा यही मैसेज है सब पेरेंट्स के लिए और सब लोग जो ये टेलीविजन देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, अगर हम अभी उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ही हमें फ्यूचर में अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा। तो अभी हम इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं कि ये जो मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है, टीवी है, ये हमारे बच्चों के दिमाग पर, उनकी आंखों पर क्या क्या गलत असर दिखा रहा है। इस चीज़ को अभी अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे तो लेटर इन लाइफ चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ आज के दिन में कि सब बच्चों का बिफोर एंट्री इनटू स्कूल एक आई एग्जामिनेशन इज अ मस्ट, जरूरी कराना चाहिए। थैंक यू सो मच। करते हैं ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया है ताकि ये चाइल्ड फ्रेंडली रूम है, बच्चे आके डरे नहीं। स्पेशल स्क्रीन है हमारे पास इधर जिसपे हम बच्चों की आईसाइट चेक कर सकते हैं। इनको अक्षरों की पहचान नहीं है, अल्फाबेट्स की पहचान नहीं है, उनको हम पिक्चर्स दिखा के उनकी आंख की जांच कर सकते हैं। फिर ये एक मशीन है जिसपे हम एक्सरसाइजेस कराते हैं जिन लोगों को भी टेढ़ेपन की प्रॉब्लम होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाती हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए DMC में वर्ल्ड साइड डे के ऊपर और हम बात करेंगे डॉक्टर सायल जी के साथ। डॉक्टर सायल जी, आप हमें बताएं कि आप किसी के स्पेशलिस्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड साइड डे। नमस्कार, मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, आंख की सबसे आगे वाले स्लिट होती में स्पेशलाइज करता हूँ, और पिछले 2-3 साल से हम DMC में हर तरह की एडवांस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और कॉर्नियल रिलेटेड सर्जरीज कर रहे हैं।
वर्ल्ड साइड डे पे मैं यही सब लोगों को आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि कॉर्निया रिलेटेड जो भी सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्निक है, बिना टांके का ट्रांसप्लांट या आर्टिफिशियल कॉर्निया जिसको हम केराटोप्रोसेसेस बोलते हैं, जो कुछ भी दुनिया में आज अवेलेबल है कॉर्निया रिलेटेड, वो हम यहाँ पे DMC में बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑलरेडी अवेलेबल करवा रहे हैं। और जिन लोगों को दोनों आंखों में नज़र कम है, दोनों कॉर्निया खराब हैं, उनका ट्रांसप्लांट, अगर जो गरीब परिवार से हैं उनका ट्रांसप्लांट फ्री में भी करवाया जा रहा है। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से हम ऐसे किसी भी पेशेंट की मदद कर सकें, हमें बहुत खुशी मिलेगी। ऑन वर्ल्ड साइड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आई इज वन ब्रांच जिसको लोग समझते हैं कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जो स्टीरियोटाइप जो लोग मानते हैं कि ऐसे ही है ब्रांच, जैसे स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है कि हाँ सर्जरी जो मेडिसिन हम कहते हैं कि वही मेन ब्रांचेस हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट है, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी जिसको आई बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनल ईयर रेजिडेंट हूँ DMC में। मुझे जो भी मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, मैंने ये देखा दैट आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, एज इन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे हमारे कंसल्टेंट मैम ने भी बताया है कि अगर आँख है तो ही सब कुछ है। इस चीज़ को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, दैट इज़ वाई आई स्क्रीनिंग्स, जो पीरियोडिक आई स्क्रीनिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते, आंख लाल हो गई, हमें लोग पूछते हैं कि आंख लाल होगी, फोटो खींच के भेज देते हैं कि आंख लाल होगी आप बताओ। उनको ये नहीं पता कि हर आंख की दूसरी बीमारी आंख की लाली से ही प्रेजेंट करती है। तो उसके लिए जो DMC में इतनी सारी मशीनें हैं हमारे पास, DMC की जो मशीनें हैं वो बहुत बड़ी सुविधा है हमारे पास, दैट वी हैव सच टेक्नोलॉजी दैट वी कैन हेल्प आउट पेशेंट्स। और जो भी आई रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटी से छोटी भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो पेशेंट ज़रूर एक बार किसी आई स्पेशलिस्ट को ही जाके दिखाए, ना ही कोई केमिस्ट से या कोई इधर उधर से कोई दवाई ले ले, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम इज सीरियस, इवन अ स्मॉल प्रॉब्लम इज सीरियस। बस मैं यही कहना चाहूँगी।